भाई ऐसा ही तो ऑर्डर चाहिए था मुझे। ऑर्डर देखो भाई, 443 रुपए का। भाई भाई बी फास्ट के अंदर ये ऑर्डर लेके जाना है हेमो रेस्टोरेंट से जो हमने लिया है। ये देखो भाई, ये दिख रहा है, ये ऑर्डर मेरे हाथ से छूटा और सीधा फचाक। भाई यहाँ से मैंने ऑर्डर पकड़ लिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, नोएडा सेक्टर 150 है कहाँ? नोएडा 350 का ऑर्डर है ये ऑर्डर है भाई। बात हुई थी ऊपर बुलाया। हाँ जी जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। निकल रहे हैं भाई पोटर करने, और पोटर में ही करते हैं। बाकी भाई अभी कार वालों की भाई स्ट्राइक चल रही है, 2 दिन के लिए वो हड़ताल पर हैं। तो भाई जो भी मेरे भाई हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाइक टैक्सी अभी 2 दिन यूज़ ना करें जब तक उनकी हड़ताल है। तो भाई उनको भी सपोर्ट करें और मतलब बाइक टैक्सी ना चलाएं, फिर क्या फ़ायदा, तुम पकड़े जाओगे फिर तुम्हारी वो चालान कटवा दें या कुछ भी होगा, मतलब अदरवाइज कुछ भी हो, पर मत करो यार बाइक टैक्सी अभी 2 दिन मत करो। फिलहाल जो भी करना है पार्सल वार्सल डिलीवरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बाइक टैक्सी मत करो। मैं भी अपना हेलमेट नहीं लेके जा रहा हूँ जो लेके जाता था 2-3 दिन, बाकी बाद में रख लेंगे। फिलहाल अभी उनकी स्ट्राइक चल रही है तो उनको सपोर्ट करो। फिलहाल चलते हैं पोर्टर में, देखते हैं आज कैसी अर्निंग होगी और कैसा हमारा दिन होने वाला है। तो फटाफट चलते हैं देवली रोड पर, देखते हैं पहला ऑर्डर कितने का और कहाँ का आता है। तो भाई पहला ऑर्डर अपने पास में आ गया है 90 रुपए का। ये ऑर्डर मैंने ले लिया भाई जे ब्लॉक संगम यार से, खानपुर सटर वाली गली देवली मतलब। तो भाई एक बार और मैं लेके गया था, मुझे ऐसा ध्यान है, और वहीं से अभी ऑर्डर ये आया है। तो पिकअप करने जा रहा हूँ भाई, 90 रुपए का ऑर्डर है। मैंने कहा चलो निकलते हैं, शुरुआत छोड़ो मत ऑर्डर को, पिकअप करने चलते हैं। तो चलते हैं भाई फटाफट इस ऑर्डर को पिकअप करने और फिर लेकर चलते हैं भाई। भाई ये पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, पहले भी यहीं मिले थे हम जब ऑर्डर लिया था, इस गली से या इस गली से लेकर आए थे भाई। फ़ोन करता हूँ इनको कि भाई लोकेशन पे आ गया हूँ। तो क्या टाइम लगा रहे यार ये? हाँ अच्छा, फेसबुक पे यूट्यूब पे फॉलो कर रखा है, क्या चला रहे हो? ऊबर चला रहा था। अच्छा अच्छा, फेसबुक तो अभी स्टार्ट किया, यूट्यूब तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलाओगे उससे तो अच्छा। मेरे यूट्यूब पे तो 46,000 है, 46,000 ये सब्सक्राइबर मिल गए थे। मैं बहुत टाइम से देख रहा था, मैंने कहा यार मैंने कभी तो इंस्टा पे मैसेज करके देखा, आज किस्मत की बात है ये तो। ले आओ वसीम भाई का है ना, लाओ वसीम भाई का ना, सटर वाली गली के लिए। सटर वाली गली तो वहाँ पे मैं देख लूँगा जो। हाँ मसीन की दुकान है। चलो भाई पिकअप हो चुका है पार्सल, लेकर चलते हैं। डाटा केबल उठाते, वो पहले एयरफोन घर से उठाते हैं, घर रह गई थी। पेमेंट तो वही कराएंगे ना इसकी, ठीक है। चलो फिर करो राइड, हम भी निकलते हैं, मिलते हैं फिर। हाँ कल आएगी वीडियो। चलो ठीक है भाई, मिलते फिर। ओके भाई, यहाँ पहले भी जब मैं ऑर्डर पिकअप करना आया था तब भी एक सब्सक्राइबर मिले थे, और आज भी भाई हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। सब्सक्राइबर क्या, फॉलोवर मान के चलो, सब्सक्राइबर फॉलोवर एक ही बात है भाई। ये मुझे फेसबुक पे ज़्यादा फॉलो करते हैं, मतलब कि फेसबुक पे तो मैंने अभी रिसेंट में डालना शुरू किया है, अभी 1-1 महीना ही हुआ है, 1-1.5 महीना। तो वो करे मैंने देखा, मैं ठीक, अरे भैया आगे देख लो, मैं उसमें देख रहा था। तो चलो भाई चलते हैं, ड्रॉप करते हैं इस ऑर्डर को। बैग में आपने देख लिया कितना छोटा सा पार्सल है, इस तरीके से लहरा लहरा कर बाइकों को लेकर चलते हैं भाई। जरूरत तो भेजा ना भाई, से भी लेके आ गए भाई, ये दो इनको दो एक नोट, ये लो है 90। कभी कभी 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है ना भाई। ये हो गया कंप्लीट ऑर्डर, पेमेंट भी इसकी मिल गई है, इसको करता हूँ डन 5 स्टार के साथ में कंप्लीट करे। 86 रुपये बोला मैंने भाई, देखो यार जो है सामने है इससे मैं कुछ थोड़ी ना कर सकता हूँ। अरे यार बैग में घुसेगा मेरे भाई, 72 रुपये की अर्निंग हो गई इस ऑर्डर पे। बाकी ये बजा देखो, कुछ ज़्यादा दूर का नहीं बजा, नोएडा चला जाऊँ क्या? अबे नई बस्ती लाडो सराय लिखवा रहा है,
भाई लाडोसराय से पिकअप था क्या? पहले ही ऑर्डर नोएडा, तो भाई नोएडा तो 140 सेक्टर, क्यों मुझे दिन थोड़ी ना ख़राब करना है, स्टार्टिंग में नोएडा चला जाऊँ? बहुत डर लगता है स्टार्टिंग में नोएडा जाना, फेज टू होता तो सोच भी लेता। बाकी भाई देखो छोड़ते ही ऑर्डर आया था, अगर मैं सबको मिक्स लेकर काम करूं, मतलब कि बाइक टैक्सी मारूं, पोर्टर भी मारूं और ये करूं, तो भाई फिर तो काम की कमी नहीं है। जैसे मान के चलो मैं नोएडा चला जाता, क्यों नोएडा में नहीं मिलता पोर्टर का ऑर्डर, तो ओला उबर रैपिडो की राइडें मिलती, कुछ तो मिलता, तो इस तरीके से करूं तो भाई काम अच्छा हो जाएगा मेरा। पर मैं बाइक टैक्सी कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा बाइक टैक्सी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता यार। अब तुम खुद देखो, 300 प्लस का ऑर्डर नोएडा नहीं लिया तो क्या हुआ, ऑर्डर तो फिर 300 प्लस का आ गया अपने पास में। और ये ऑर्डर आया भाई देखो आपके सामने, जे कॉलोनी से लेना है, खानपुर से ही, और लेके जाना द्वारका सेक्टर 15। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देख लो भाई, दिख रहा है? ये देख लो भाई, चेक कर लो तुम, कितना बढ़िया ऑर्डर है भाई। चलते हैं पिकअप करने इस ऑर्डर को, फिर लेकर चलते हैं भाई, मजा ही आ गया यार। 300 प्लस का ऑर्डर आम बात है क्या भाई? ये पहुंच चुका हूँ लोकेशन पर, और यहाँ पर है भाई, कहाँ गई ए ये रे भाई, यहाँ पर है डॉग एंड पेट शॉप, ये वाली भाई, ये वाली। देखते हैं क्या जाएगा, थोड़ा बहुत होगा वो 19-20 तो ले जाएंगे यार, कि अपने इलाके से तो ले जाते हैं ऑर्डर, है ना भाई। चलो देखते हैं, यही तो नहीं, हाँ यही, और कोई है ही नहीं। अबे द्वारका के लिए पोर्टर बुक किया है? हाँ भैया, अंदर से लो भाई। पार्सल मुझे मिल चुका है पूरे भाई, 40 मिनट से भी ज़्यादा, 40 नहीं 45 मिनट वेट करा दिया कस्टमर ने भाई। उन्होंने पेमेंट नहीं भेजी थी इनके पास में, और ये उन्होंने मुझे पार्सल नहीं दिया। बाद में भाई खुद ही कह रहे कि वो जो कस्टमर जिन्होंने बुक करा था वो कह रहा तुम्हें तो लेके निकल जाना चाहिए था। मैंने कहा मैं कैसे निकल जाता जब इन्होंने दिया ही नहीं, बताओ इनकी आपस की बातें, फंस गया मैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, देख लो 1 घंटा 12 मिनट लगेंगे, 28 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखो किस कदर जाम लगा है भाई, ये देख रहे हो पूरा जाम लगा है। अब तक यार के डिलीवर हो जाता ऑर्डर, डिलीवर भी नहीं होता तो लगभग 2 बजे तक तो डिलीवरी हो जाता। 45 मिनट में मेरा, मान के चलो 45 मिनट में कम से कम 150 का काम होता, और यहाँ 150 का समझ लो नुकसान हो गया। तो भाई कंपनी को ये देख, जैसे ऊबर वगैरह में होता है कि बंदा लोकेशन पे पहुंच गया और उसका वेटिंग टाइम शुरू हो जाना चाहिए, इस कंपनी में अलग ही नियम है, जब तक तुम ट्रिप स्टार्ट नहीं करोगे तुम्हारा वेटिंग नहीं जुड़ेगा। अरे भाई ट्रिप कैसे स्टार्ट कर दें जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं, पार्सल नहीं मिलेगा, तो तुम्हारी ये अलग ही कंडीशन है ट्रिप स्टार्ट। भाई कस्टमर से बोलेंगे अरे भैया ट्रिप स्टार्ट कर दो, तो वो भी वो कहेगा भैया क्यों कर रहे हो अभी, रुक जाओ बस दे रहा हूँ। तो भाई ये गलत है ना, बंदा लोकेशन पे पहुंच गया तो टाइम काउंट होना शुरू हो जाना चाहिए, ट्रिप स्टार्ट का मतलब तो बंदा लेके निकल गया, वो चीज मान जाते हैं कि ट्रिप स्टार्ट वो हो गई। बात तो सही है। ये क्या मतलब यार की हद है यार। बस मैं पहले भी इस चीज पे बोला था कि यार की कंपनी को इस चीज पे सुधार करना चाहिए, पर नहीं कुछ नहीं होता। चलते भाई डिलीवर करते, पूरा यार की अपसेट कर दिया मन मेरा पूरा इन्होंने। अब देखो भाई कस्टमर से ज्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते, पर हाँ भाई जब इतना वेट इन्होंने 45 मिनट मेरी खराब कराई थी, तो अब भाई मुझे इसके साथ में कुछ ना कुछ तो तीरंदाजी लगानी पड़ेगी। तो भाई मैंने जी पास में ऑर्डर उठा लिया, जस्ट अभी उठाया, 186 रुपए का, साकेत से लेना है और लेकर जाना भाई महावीर एन्क्लेव। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे भाई। वी फास्ट के अंदर ये ऑर्डर लेके जाना है हेमो रेस्टोरेंट से, जो हमने लिया है। और इस ऑर्डर पे पता इतना गंदा सीन हो गया था, मुझे तो लगा था बेटा आज तो तू गया, मतलब आज तो तेरी खैर नहीं है। अभी दिखाता हूँ क्या हुआ था यहाँ क्या हुआ था। ये देखो भाई, ये दिख रहा है, ये ऑर्डर मेरे हाथ से छूटा और सीधा फचाक। मैं सही से रखो अपनी बारी से भाई, देखो पूरे में फैल गया था भाई, मेरा दिल धक धक करने लगा। फिर भी मैं भाई डरता डरता रेस्टोरेंट पे पहुंचा कि सर ऐसे ऐसे ये गिर गया है, इसको रिपैक कर दो दोबारा से। तो भाई अच्छे थे उन्होंने पैक कर दिया, नहीं तो भाई अगर वो मना कर देते ना फिर तो भाई मेरी लंका लग जाती, बोर्डो की आईडी भी चली जाती, क्योंकि ऑर्डर डैमेज हो गया था और 1300 रुपये का ऑर्डर था, 1300 रुपये भी ऐसी की तैसी लग जाती या तो कस्टमर लेते जो भी है। पर बहुत गंदा फंस गया था मैं, यहाँ देख सकते हो तुम, पर सारी सिचुएशन से बच गया हूँ मैं, ऑर्डर मिल गया है। और चलते हैं भाई अब डिलीवर करने, बहुत बड़ी मुश्किल से निकला हूँ अभी मैं। ये देखो पूरा बटर चिकन की ऐसी की तैसी यहीं पर हो गई थी। खैर क्या है, जो किस्मत में होना होता है वो तो होता ही है। पर चलते हैं अब इसको डिलीवर करने भाई, पार्किंग के पैसे देते हैं, पार्किंग में लगाई थी गाड़ी, और फिर चलते हैं।
भाई कई बार ना हम राइडर ज्यादा कमाने के चक्कर में थोड़े से लालच में आके अपना नुकसान कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैं भाई बड़ी गंदी सिचुएशन से बचा हूँ और लगभग मेरा यहाँ पर भी आधा घंटे से ज्यादा भाग गया, क्योंकि भाई पहले तो ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेकर बाइक तक आया तो बाइक पे ऑर्डर गिर गया, फिर गया उसको दोबारा पैक कराया, फिर लेकर आया, मतलब कि यहाँ पे भी अच्छी खासी मेरी मिनट चली गई है। पर भाई शुक्र है कि मैं बच गया हूँ, नहीं तो अगर वो बोलने लगते ना कि नहीं अब हमारे पास से तो चला गया, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये करना होगा, वो करना होगा, ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो भाई फिर मेरी लंका लग जाती। फिलहाल अभी जैसी सिचुएशन है सब मैंने आपको दिखाई, कितना धंधा फंसा था मैं। फिलहाल चलते हैं भाई इसको ड्रॉप करने और आगे का सफ़र देखते हैं कैसा रहेगा। भाई वी फास्ट वाले ऑर्डर की लोकेशन पे पहुंच गए हूँ, बड़े प्यार से ऑर्डर को निकालना है, कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अब हम घर तक आ गए हैं तो इस पर कोई भी सीन ना हो। मैंने इस पर रख दिया था जब मैं लेकर आया था ना, और इस पर से रपट के भरदाम भड़ाम नहीं गिरा और भाई हो गया सीरीज ऑर्डर पे। अभी मेरी सारी नज़र इस ऑर्डर पे ही है, बस तू किसी तरीके से कुछ मत से डिलीवर कर दो भाई सर को, यहाँ पर देना है। 3 साल से कर रहा हूँ यार मेरा ना, मैंने भी अपनी वाइफ को फोन में ही अपलोड किया। अच्छा तो भाई बोर्जो का ऑर्डर हो चुका है डिलीवर, 244 रुपए लेने थे कस्टमर से, 30 रुपए पार्किंग के जो हमने वहां पर लगाई थी तो हो गए 274, और कस्टमर ने दे दिए भाई हमें 300 रुपए पूरे, तो मतलब 25 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। तो हमारी इस ऑर्डर पर अर्निंग जो हुई कमीशन काटने के बाद 210 रुपए के समथिंग हुई, क्योंकि 210 रुपए मान के चलो, तो इतने की हमारी अर्निंग हुई। और बाकी अभी ये पोर्टर का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं, इस पे कमीशन काटने के बाद हमें मिलेंगे लगभग 240 या कुछ रुपए, 240 नहीं 248 रुपए के समथिंग, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल पहले इसको डिलीवर करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। भाई ये पहुँच गया हूँ ड्रॉप लोकेशन पर, ये द्वारका मोड़ से आगे वाला रोड है जो सीधा नाजफगढ़ चला गया और इधर पता नहीं कहाँ चला गया, जहाँ भी गया जाई तो रही है। क्या बोला तूने? बाकी ये हमारी ड्रॉप लोकेशन। भाई ये कहाँ ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा भाई, ये कहाँ ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है? फ़ोन करता हूँ भाई, लोकेशन पे तो आ गया हूँ भाई, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जा रहा हूँ। ये 15 किलो है आइटम, अभी दिखाते हैं तुम्हें भाई, भाई ट्रिप को एंड करते हैं। देखें कुछ बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा इस पे, देख रहा एक रुपा नहीं बढ़ा, देख रहा 45 मिनट वहाँ पर वेट किया था, वो तो कहते हैं भाई स्टार्ट करने के बाद बढ़ेगा, उससे पहले बढ़ेगा नहीं, तो नुकसान तो था ही ना मेरा। ये ऑर्डर आया मैम, अरे बात हुई थी ऊपर बुलाया, हाँ जी जी हाँ मंगाया उन्होंने, अभी बात हुई थी, बोलो ऊपर लेके आ जाओ। नहीं नहीं पेमेंट करानी है इसकी, डॉग फूड है, डॉग फूड। हाँ ओके, तो भाई अब डिलीवर हुआ है ये ऑर्डर, पूरे 3 घंटे इस ऑर्डर पर चले गए, ये एक रेटिंग दूंगा बिल्कुल, एक भी वो देने भी बेकार थी भाई। ये देख अबे ये क्या कह रहा, कस्टमर को इन्फॉर्म करो और ट्रिप स्टार्ट करो, अबे ट्रिप खत्म हो गई तुम अब मैसेज भेज रहे हो ट्रिप स्टार्ट करने के लिए, कितने बेवकूफ लोग हैं यार, सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई 320 का काम ये और 210 का वो, अपना लगभग 530 रुपये काम हो गया है। भाई अगर कस्टमर चाहते, देखो कस्टमर की वजह से तो डिले हुआ है, 45 मिनट कस्टमर की वजह से डिले हुआ है, और भाई साहब 30 मिनट मैंने अपनी तरफ से डिले कर दिया दूसरे ऑर्डर के चक्कर में, तो भाई जब तुम कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ। भाई देखो 1:10 पे तो ट्रिप स्टार्ट हुई थी, ये देखो 12:36 पे पिकअप लोकेशन पे पहुँच, अबे 12:28 पे पहुँचा था, 12:20 पे ऑर्डर बजा था, साला सब कुछ ही उल्टा सीधा दिखा रहे ये, छोड़ो धक्का दो यार। बाकी कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके हमने इस ऑर्डर को कर लिया मैनेज, बाकी अब यहाँ से देखते हैं कहाँ का ऑर्डर आएगा। मेरा स्कोर अभी देखोगे तो करंट में 76% है और 85 घंटे लॉगिन है, तो मैं तो प्रीमियम में आ चुका हूँ, तो मेरा तो टाइमर लगेगा नहीं अगले महीने और काम होगा मेरा बढ़िया। वेट करते हैं ऑर्डर आने का। भाई इसमें ये बड़ी दिक्कत है यार, एक ऑर्डर मैंने अभी यहाँ 300 का एक्सेप्ट कर लिया था खुशी खुशी, तो देखो वो कैंसिल आ गया, देखो ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर बजा देते, मतलब यार क्यों कैंसिल, मैं ये लूँगा ही नहीं, जाओ मिस कर दो, मैं ले ही नहीं रहा। जो मतलब बंदा ऑर्डर अपनी खुशी से लेता है वो पता नहीं क्या चूल मची होती है, वो कैंसिल करके, देखो ये दिखा रहा है मेरे पास अभी ऑर्डर, देखो ये देखो 266 रुपये का ऑर्डर था, ये देखो अभी भी दिखा रहा है, अब बताओ क्या करूँ मैं। देखो
पूरा प्रॉपर चल रहा है, पैसा नहीं है कि हाँ नहीं है, देखो ऑर्डर है। अब मैं इसको पूरे को रिफ्रेश करूँगा, पोर्टर खोलूँगा, ये देखो पोर्टर खोलूँगा, तब जाके मेरी स्क्रीन से ये ऑर्डर हटेगा। कैंसिल करो तो तुरंत हटा दो, या फिर भाई गुडविल भी दो, गुडविल के नाम पे भी घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ लिखा था वी फील सॉरी दैट योर ऑर्डर कैंसिल, घंटा मेरा। भाई ऐसा ही तो ऑर्डर चाहिए था मुझे। ऑर्डर देखो भाई 443 रुपए का भाई। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए, घूमने आए, यहाँ पर गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। भाई कैश लेना सिर्फ 31 बाकी है ऑनलाइन पेमेंट। फिलहाल चलते हैं भाई इसको पिकअप करने, जो कि हमारा ऑर्डर एक बेहतरीन ऑर्डर आ गया भाई 400 प्लस का, जो कि ऐसे ऑर्डर सभी को चाहिए होते हैं। और 1.6 किलोमीटर का पिकअप है। चाबी तो ऑन कर ले, स्टार्ट कर रहा है बाइक को, इतनी खुशी बाइक भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अभी फिलहाल पिकअप करने जा रहा हूँ भाई। चलो ये देखो भाई मज़ा ही आ गया भाई, यहाँ से ऑर्डर मिल गया है 400 प्लस का भाई, मज़े ही मज़े। चलते भाई फटाफट पिकअप करने, नोएडा लेके जाना है सेक्टर 63। भाई ये पहुँच गया हूँ पिकअप लोकेशन पर, यही लोकेशन दिखा रही है इधर। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पर, थोड़ी सी इधर उधर थी, कोई बात नहीं चल जाती है इधर उधर थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। खाली सैंपल जा रहा है ना, ठीक है ये, ठीक है भाई ये सैंपल लेके जा रहा हूँ पार्सल में, बाइक तो ये रही, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है खाली सैंपल है, इसको लेके जाना है खाली बॉक्स को। बाकी डिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूर डिस्टेंस दिखा रहा है। ऑर्डर है 443 रुपये का और डिस्टेंस अभी दिखाते हैं आपको इसका डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस 45 किलोमीटर, देखो भाई कितना ज़्यादा है, ये कोई रूट नहीं है 45 भी जाना पड़ेगा। भाई छोटा रूट देखने की कोशिश करी इस ऑर्डर पर कोई छोटा रूट नहीं है, 44 किलोमीटर का रूट मिला है जिसमें 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है जाने में लगेंगे मुझे। तो भाई मैं इसी से जा रहा हूँ, मतलब कि इस ऑर्डर पर कमीशन कटने के बाद मुझे 8 रुपये किलोमीटर ही पड़ेगा, पर कोई नहीं कर भी कह सकता हूँ कुछ, और कर भी नहीं सकता ना भाई, जितने दे रहा उतने में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई इसको डिलीवर करने। एक खाली ये सैंपल बॉक्स है जो मैं लेकर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सामान है, सिर्फ सैंपल का एक बॉक्स है जो कि बहुत बढ़िया है। चलते हैं भाई इसको करते हैं डिलीवर और नोएडा सेक्टर 63 में जाके देखेंगे क्या होगा। मतलब ऑर्डर आराम पार हम गए, मतलब एकदम ऑर्डर आर पार के एकदम लड़ाई सीधी, ये ऑर्डर करके काम हमारा 800 प्लस का हो जाएगा। चलो चलते हैं भाई करते हैं इसको डिलीवर। ये रो भाई पहुंच चुका हूँ नोएडा लोकेशन पर, जो हमारी ड्रॉप लोकेशन थी शायद ये है या अगला प्लॉट है, फ़ोन करते हैं पता करते हैं भाई। तो भाई ये ट्रिप हो चुकी है कंप्लीट, फिर हमने पोर्टर से सारा तो वॉलेट में था, मैंने कहा 31 क्या कैश लेने, ये भी मैंने भाई वॉलेट में ऐड करा लिए। बाकी यहाँ देखो अर्निंग की बात देख, अर्निंग की अगर बात करें तो 675 रुपये हमारे पोर्टर में और 210 रुपये हमारे वो हैं, तो लगभग हमारे 900 के आसपास का काम हो गया है। ये देखो भाई ये अर्निंग देखो, 6 घंटे 21 मिनट के अंदर की अर्निंग है। इसको पैसे थोड़े से पैसे मैं विड्रॉल मार लेता हूँ इसमें से, 196 रुपये, 100 रुपये बाकी हमारे वॉलेट में, एडजस्ट होते रहेंगे ऑर्डरों पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई नोएडा सेक्टर 63 में यार सारी फैक्ट्री की तो छुट्टी हो गई है, तो अब ऑर्डर के चांसेस हैं या नहीं है ये नहीं पता, पर जो किस्मत में होगा तो वो तो भाई बंद फैक्ट्री से भी ऑर्डर आ जाएगा जब आना होगा। तो वेट करता हूँ भाई यहाँ से, देखता हूँ सेक्टर 63 से क्या आता है, यहीं साइड में बैठ जाता हूँ इधर ए नाले के पास में, मच्छर खाएंगे मुझे। भाई यहाँ से मैंने ऑर्डर पकड़ लिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार नोएडा सेक्टर 150 है कहाँ, नोएडा 350 का ऑर्डर है ये 362 रुपये का। चलो देखी जाएगी जो होगा, हर कोई इस यही सोच के ऑर्डर लेता है, जो होगा देखा जाएगा, ले लो फिलहाल। और देखो भाई 220 मीटर से पिकअप है, 220 मीटर से पिकअप है और नोएडा, अगर ग्रेटर नोएडा होया तो भाई लगने वाले भाई बढ़िया करके। चलो क्या ही कर सकते हैं, लगने दो यार जो लग रहा है लगने दो। ये पहुंच गया भाई लोकेशन पे, फ़ोन करो फटाफट और बुलाओ और जल्दी लेकर चलो और जल्दी आओ वापस आओ, तो हेलमेट भी ना अपने पास में जो राइड लेके आ जाएं। सिग्नेचर करा के रख लिए। हाँ एक नहीं मुझे कुछ नहीं दिया उन्होंने, रख लिया भाई। ये देखो पिकअप हो गया है, स्टार्ट करता हूँ ट्रिप को। ये ट्रिप हो गई स्टार्ट और डिस्टेंस दिखाता हूँ आपको कितना दिखा रहा भाई।
रिकॉर्डिंग पे आ रहे हो? हाँ रिकॉर्डिंग हो गई सब। ये देखो भाई फंस गया 36 किलोमीटर। अरे बाप रे, रुको दूसरा रूट दिखाता हूँ। ये रहा 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर से चलना है, 56 मिनट लगेंगे और कंप्लीट करते हैं इस ऑर्डर को फटाफट। चलो भाई। तो भाई हमारे साथ सीन हो गया, आसमान से गिरे खजूर मटके वाला। तो भाई इतना खजूर में गिरे, ऐसी खजूर में, तो भाई ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास लेके जा रहा हूँ ये ऑर्डर। और मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो मैं कोई राइड वाइड भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं राइड के हिसाब से आया ही नहीं था। तो भाई वहाँ पर कुछ बजेगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो चुपचाप आईडी बंद और कर और सीधा घर निकल ले। 37 किलोमीटर घर है वहाँ से मेरा, मैंने पहले चेक कर लिया, तो मतलब 70 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अगर कुछ नहीं मिला तो 70 रुपये का पेट्रोल लगेगा, और मिल गया तो भाई फिर बल्ले बल्ले, फिर क्या कहने, फिर तो मौज ही आ जाएगी। अब यार लोचा हो गया इस ऑर्डर पर। ये ऑर्डर सिर्फ सेक्टर 50 में देना था, वो बता रहा है सेक्टर 50 में आना था भैया, और इन्होंने लोकेशन डाल दी 150, बल्कि 50 सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था भाई। ये भगवान क्या जुल्म है। अब बताओ यार मुझे कितना अफसोस हो रहा है यार, मैं क्या करूं। अभी 13 किलोमीटर रह गया है और वापस जाऊंगा भाई। एक बार मैं देख लेता हूं सेक्टर 50, अगर 13 किलोमीटर ही होगा तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। ठीक है भाई, जो ड्रॉप लोकेशन मुझे यहां से दिखा रही है जहां मुझे देना है वो तो है भाई 13 किलोमीटर, और जो कस्टमर बुला रहे हैं वो वापसी में रिटर्न में दिखा रहा है 15 किलोमीटर। तो भाई मतलब मेरा 2 किलोमीटर फालतू जा रहा है एक तरीके से, पर मेरा ये भी फायदा हो रहा है कि मैं वहाँ से 35 से खाली आने से अच्छा वहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो पैसे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, फिलहाल मैं रिटर्न जा रहा हूँ। फिर भी मैंने बोल दिया कि चार्ज लगेगा आपका रिटर्न का, तो बोले कोई बात नहीं हम दे देंगे। तो चल रहे भाई, मजा आ गया यार इस ऑर्डर में। तो ये ऐसे होने चाहिए ऑर्डर, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। ये पहुंच गए सेक्टर 50 की मार्केट, जो कि मुझे नहीं लगता कि सेक्टर 63 से 10 किलोमीटर भी होगी ये। और भाई अच्छा खासे 10 किलोमीटर के अपने को 350 रुपये मिल जाते, पर यार दिक्कत ये होगी कि इसमें बहुत लंबा जाकर वापस आना पड़ा फिर से। यार ये थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पर कि भाई जाकर वापस आना पड़ा। पहुँच गया हूँ, डिलीवर करता हूँ भाई से। तो मैं तो पहुंच ही गया, और 5 मिनट फोन ना करते 150 ही पहुंच जाता मैं तो। और वो अगर पहले ही ये वो क्लियर हो जाता ना तो अब ये 1 घंटे पहले डिलीवर हो जाता। नहीं मेरी तो आपसे ही बात हुई है बस। तो आप ही का तो था अंकल, आप ही तो गजब टू भी आज आदमी हो। ₹150 देने। ओ भाई मजा आ गया भाई, ऑर्डर कर दिया है डिलीवर, यहाँ पर ले लिए हमने ₹150 एक्स्ट्रा। ये देखो भाई पैसा ही पैसा हो गया, ये देख रहे होंगे ₹150 ये ले लिया एक्स्ट्रा, ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया। अगर अर्निंग की बात करूँ तो भाई साहब मजा ही आ गया। ये देखो अर्निंग ₹964, ₹150 एक्स्ट्रा हो गए, हो गए 1100 प्लस 210 रुपये हमारे बोर्ड हो गए, लगभग 1330 रुपये का समथिंग का काम हो गया है। और घंटे की बात करो तो घंटे हुए टोटल अभी हमें 8। ये देखो भाई 8 घंटे के अंदर 1300 का काम, भाई बल्ले बल्ले। जहाँ नोएडा में 150 में ऑर्डर देना जा रहा था वहाँ से मेरा घर 37 किलोमीटर था। और रुक जाओ यार ऑर्डर आने वाला, अरे मालवीय नगर। अबे भाई बस ये दे दे, मैं घर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, घर 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 घर। ओ बेटी की जान, ओ बेटी की जान, ओ भाई साहब मालवीय नगर का ऑर्डर आ गया ₹293 का शिवालिक। अब तो मौज ही आएगी भाई, कुछ खतरनाक, आज तो मेहरबान फुल कतरदान। पिकअप क्या है, 3-4-5 किलोमीटर कितना भी हो मालवीय नगर का ऑर्डर आ गया भाई, मजे आ गए। पिकअप दिखाऊं कितने किलोमीटर है, होने तो जितना भी होगा, बस मैं खुश हूँ 5 किलोमीटर पिकअप है, थोड़ा सा दुख हूँ। ये फंस गया सी है। पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा इसे। ये रहा 3.9 किलोमीटर, चलो चलते हैं भाई फटाफट पिकअप करने। भाई ये पहुँच गया हूँ अमर पाली के गेट पर। अब यहाँ पता करना पड़ेगा कि डिलीवरी बॉय की एंट्री किधर से है। भाई पार्सल मिल चुका है, ये है जूते लेके जाने, इसमें जूते हैं। ट्रिप को कर दिया मैंने स्टार्ट। अब ड्रॉप डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ भाई कितने किलोमीटर है, 27 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, ₹290 का तो ये ऑर्डर ही है शायद ही। ये यार ये हर उसमें कैसे मजे ले रहा है यार, मेरे भाई ऐसे क्यों कर रहा है यार मेरे साथ। जब मैं सर्विस लाइन वगैरह से अगर भेज दें मुझे कहीं से तो भेज, कम किलोमीटर से। ये रहा 25 किलोमीटर जाना भाई, देख रहो
अरे पहले ज़्यादा दिखाता हमेशा, अबे बैग खुला रह जाता, सामान ही बिखर जाता। 25 किलोमीटर जाना भाई और 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। कोई बात नहीं भाई, भाई पहुंच तो गया हूँ लोकेशन पर यहाँ हाउस ही नहीं है यार। एक जो एड्रेस इसमें लिखा है वो दिख ही नहीं रहा, इधर बढ़ते नंबर है इधर घटते नंबर है। ये कहाँ पहुँच गया भाई, घर गायब हो गया भाई, आगे पीछे हो गया, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे। हाँ यार मिल ही नहीं रहा भाई। ये ऑर्डर भी हो चुका है कंप्लीट अपना, ये दे दो 5 स्टार के साथ में, डन भाई कंप्लीट। और अब मुझे कोई इंतज़ार नहीं करना, आईडी को मारो बंद भाई। आईडी कर ली है मैंने बंद और अब निकल रहा हूँ घर। अर्निंग तो भाई बहुत ही शानदार हो गई है, काम इतना किया नहीं, मज़े में काम किया है, पर बढ़िया जो भी किया है एकदम ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई। बाकी अभी निकल रहा हूँ घर, अभी की टाइम की बात करूँ तो 9 बज रहे हैं और घर जाने में मुझे 9:30 बज जाएंगे, तो कोई बात नहीं 9:30 बजे तक भी पहुंच जाएंगे घर, तो क्या ही जा रहा भाई। एक गेट खोलो यार, हाँ गजब। चलो भाई चलते हैं सीधा घर, तुम खुशी देख ही सकते हो, देख नहीं सकते हो मतलब महसूस कर सकते हो मेरी अर्निंग से कि मैं आज कितना खुश हूँ भाई। भाई ये पहुंच चुका हूँ अपने घर, टाइम देखो तुम 9:26 मिनट लगे हैं घर आने में। मीटर की रीडिंग की बात करो तो 21,818, आगे मैं नहीं बता रहा। तो भाइयों घर आ चुका हूं मैं, अब बात कर लेते हैं टोटल अर्निंग की। तो भाई 1200 रुपए अपने पोर्टर में हुए, 210 रुपए अपने वी फास्ट में और 150 रुपए एक्स्ट्रा, तो कुल मिलाकर भाई अर्निंग हमारी 1550 प्लस की हो गई। 1500 कितनी ये हो गई 1560 रुपए की अर्निंग हमारी एक तरीके से। तो 1560 रुपए में भाई साहब देखो 360 रुपए तो हमारे ऊपर की कमाई है एक तरीके से। अगर नॉर्मल रनिंग की बात करें तो 1200 ही है, पर देखो डबल ऑर्डर मिला तो वहां 200 कुछ का फायदा हुआ, वहां पर ऑर्डर रिटर्न ले जाना पड़ा तो 150 का फायदा वहां हुआ। अर्निंग पोर्टर में जो ज्यादा होती है वो ज्यादातर या तो ओवरसाइज पार्सल, मतलब कि किसी ऐसा पार्सल है डबल साइज पार्सल है, किसी पे 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, किसी पे 250 मिल गए ऐसे, या फिर ऑर्डर के साथ में कोई ऑर्डर बंदा ले जाता है साथ में कोई बड़े ऑर्डर पे, जैसे 700 का ऑर्डर लेके जा रहा तो 300 का और उठा लिया, ऐसे इस तरीके से करता है तब जाके अर्निंग 2,500-3,000 की होती है। नहीं तो भाई 1200 से 1500 के बीच की ही अर्निंग होती है 10 से 12 घंटे में। ज्यादा अर्निंग मतलब वो दो तीन तरीके हैं कमाने के, नहीं तो सिंगल ऐप पे करेंगे तो ऐसी अर्निंग होगी। बाकी बात कर लेते हैं भाई अगर टोटल अर्निंग की तो 1560 रुपए के समथिंग हुई। बाइक चली 150 किलोमीटर 152 किलोमीटर तो 250 का पेट्रोल लगा, 50 रुपए खाने में खर्च तो 300 रुपए हमारे खर्च होगा एक तरीके से खाने और पेट्रोल में, तो 1250 रुपए बचे मुझे भाई साहब 10 घंटे काम करके। 11:30 बजे निकला था और 9:30 बजे घर, तो कुल 10 घंटे में 1250 रुपए बचे। अगर इसमें 350 रुपए निकाल दोगे तो बचे कितने, वही 950 रुपए के समथिंग, 950-950 रुपए के समथिंग बचे। तो भाई अर्निंग ज्यादा तभी होती है जब ओवरसाइज पार्सल मिलते हैं, नॉर्मल ऑर्डरों पर तो भाई अर्निंग 1200 से 1500 के बीच होती है। बाकी सब कुछ मैंने आपको दिखाया किस तरीके के ऑर्डर है क्या है। भाई स्टार्टिंग में जैसे मेरा बहुत दूसरे ऑर्डर पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, पर वो कवर अप हो गया बी फास्ट के ऑर्डर के साथ में। बाद में नोएडा चला गया था तो नोएडा में भी भाई बचा ही लिया एक तरीके से, किस्मत इतनी अच्छी रही कि भाई वहां से मालवीय नगर का ऑर्डर मिल गया। नहीं तो भाई मेरी अर्निंग तो वहां से जहां मैं जा रहा था सेक्टर 150 नोएडा में, वहां से लगभग 37 किलोमीटर खाली आता ऐसे ही, और अर्निंग लगभग 1100 रुपए के समथिंग ही होती। वो तो बस वक्त की बात है और किस्मत की कि ऐसा कुछ हुआ कि अर्निंग 1500 प्लस हो गई। एक और ऑर्डर मारने का मन कर रहा था मेरा, ये था दक्षिणपुरी से रोज गार्डन लेके जाना था, मतलब पहलादपुर जाना था और वापस आना था, 140 रुपए मिल रहे थे, डिस्टेंस टोटल 17 किलोमीटर था। अगर मैं वो भी कंप्लीट करता तो अर्निंग 1700 हो जाती है, पर मैंने सोचा नहीं यार टाइम से घर निकलो, अपने बॉडी को आराम दो, ज्यादा बॉडी से काम मत लो। पहले मैं क्या करता था, जो अर्निंग मेरी 2500-3000 होती थी, मैं सुबह 8-9 बजे निकल जाता था, कभी 6 बजे निकल गया और रात के 10-11 बजे तक, कभी कभी 1-1 बजे तक काम करता था। पर अब मैंने वैसा काम करना बंद कर दिया है। बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखो, कहाँ लेकर जाओगे अगर बीमार पड़ गए, तो वो मेरी बातें दिल पर लग गई थी। तब से भाई मैंने उसके बाद में
1 जुलाई से मैंने जिम स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें टाइम देता हूँ, मेरा वहाँ पर भी टाइम काफ़ी स्पेंड होता है, फिर रेस्ट भी लेना पड़ता है और खाने पीने पे अपना ध्यान ज़्यादा रखता हूँ, तो इसलिए मैं उतना नहीं कमा पाता हूँ फिलहाल, अभी कम कमाता हूँ। बस ये कि जितना कमा रहा हूँ ठीक है, अपनी बॉडी का भी ख्याल रख रहा हूँ और भाई आपका भी ख्याल रख रहा हूँ, आपको भी नई नई टिप्स दे रहा हूँ अर्निंग की क्या क्या। बाकी भाई इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, वीडियो अब में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम अर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।